आप लोग कल भी बोल रहे हैं, परसों भी बोल रहे हैं, मुझे तो यही होता है। क्या तकलीफ है आपको? तुम बता नहीं। क्या तकलीफ है? कुछ भी अधीक्षक नहीं मिले हैं। कोई सही चीज नहीं बता रहा है। कुछ नहीं, पॉजिटिव का डॉक्टर ने बोल दिया कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो दीजिए कागज रिपोर्ट है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। हम आज कुछ खास ऐसे खबरों को दिखाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल पीएमसीएच में, और यहां का आप तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि बगल में अधीक्षक कक्ष लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और आसपास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो COVID-19 के पेशेंट हैं उनके परिजन यहाँ पे हैं, और ये लोग लगातार यहाँ पे सरकार के लापरवाही, यहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में ये बता रहे हैं कि इनके जो मरीज हैं वो यहाँ भर्ती हैं, लेकिन इनको कोई देख रेख किसी तरीके का नहीं हो रहा है। आइए हम इन्हीं से जान लेते हैं कि इनकी परेशानी क्या है। क्या परेशानी है आपका? परेशानी यही है कि 9 दिन हो गया पेशेंट को, अभी तक कोविड का कोई रिपोर्ट नहीं है। 2-2 बार सैंपल ले गया, अब सैंपल कहाँ रख लोग भुला देता है, कोई पता नहीं है। 9 दिन से वो डायबिटीज पेशेंट है, उनसे वो पता चलेगा कि कोविड से नहीं वो तो डायबिटीज से मर जाएंगे। यहाँ इतना गंदा स्थिति है यहाँ का। आपके कोई परिवार भी यहाँ पे भर्ती है? मेरे मामा जी भर्ती हैं, उनका कोविड पॉजिटिव है। अभी नहीं, रिपोर्ट ही नहीं आया, 9 दिन हो गया है और यहीं पे रखे हुए। हाँ, यहीं पे रखे हुए। वो व्यवस्था भी नहीं है, इतना गंदगी है। बाथरूम में जाइएगा तो इतना पानी है। एक लड़की तो बाथरूम में ही गिर के डेथ कर गई थी 4-5 दिन पहले। इतना गंदगी है वहाँ बाथरूम में। कोई देखने के लिए नहीं आता? कोई नहीं, डॉक्टर को छूना ही नहीं चाहता, लगता उसी को कोरोना हो जाएगा। बस जो सरकार दावा कर रही है जांच को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, तो ये तो एकदम फेलियर है। कुछ नहीं, कुछ खोखला दावा है, कोई फायदा नहीं इससे। पेशेंट जब मर जाएगा तब क्या होगा? अब क्या परेशानी क्या है बाबा? परेशानी है कि हमारे मतलब दामाद जो है यहाँ भर्ती है, मुंगेर से आए हैं हम तो पटने के हैं। अच्छा। मगर यहाँ कोई देख रेख है ही नहीं है। ऑक्सीजन की कमी 3 दिन से है, तो आज लगाया कि थोड़ा फिर अभी तक वही कमी कोई दवा नहीं चल रहा है। कोई दवा नहीं चल रहा है उनके साथ, बहुत ज़्यादा लापरवाह है। अधीक्षक से बात किए तो अधीक्षक साहब बोले कि जाइए हम कर रहे हैं, और सुबह से पेपर के लिए अप डाउन। यहाँ पे ये बताइए कि COVID-19 का बोला जाता है कि भर्ती है, यहाँ भर्ती कोई मरीज नहीं कर रहा है, यहाँ से ट्रांसफर NMCH किया जा रहा है। क्यों? हम ये जानना चाह रहे हैं COVID-19 का रिपोर्ट अब इतना लेट क्यों? आप बोलते हैं कि किट का अवेलेबल है, किट अवेलेबल है, किट कहाँ अवेलेबल है? किट कल जांच हुआ, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला, और COVID-19 का आदमी ऐसे ही मर जाएगा। आप लोग बोलते हैं, ये बताइए कि ऑक्सीजन का 3 दिन से ऑक्सीजन कमी है, ऑक्सीजन अभी तक नहीं लगा। आज अभी ऑक्सीजन 100 रुपये हम स्टाफ को देंगे तो ऑक्सीजन ले गए, तो आप अलाउ करिए प्राइवेट को कि हाँ अलाउ प्राइवेट में किया जाता है।
कोई किसी चीज का यहाँ पे कोई चीज नहीं है। डॉक्टर ऐसे ही बात करता है, नर्स इसी तरह से बात करती है, लगता है कि यहाँ पे हम लोग टैक्स भरते हैं ना सरकार को, विदाउट टैक्स नहीं ना, हर चीज का टैक्स भरते हैं सरकार हमारे साथ। ये हम तो पटना ही से है, मेरे जिया जी मुंगेर से है, आप बताइए कि जब हम हर चीज का टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स के जो है, यहाँ का जो अस्पतालों का जो गाइडलाइन है उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? एकदम महाधज्जी, इससे बदतर तो कहीं देखे ही नहीं है। इससे बेटर सरकार बोलती है कि हम ये करेंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किट का अवेलेबल है, ऐसे है वैसे, कुछ भी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा दूरी बना बना के रहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जैसा घटिया हम देखे ही नहीं है, बहुत ज्यादा घटिया है। यहाँ देखिए लगातार जो पेशेंट के जो साथ में परिजन है वो यहाँ पे त्राही माम बोल रहे हैं। उनका कहना है कि या तो डॉक्टर हमें जवाब दे कि हम इलाज कराने में असक्षम हैं तो हम अपना मरीज को लेकर के किसी दूसरे अस्पताल में लेकर के जा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इलाज सही ढंग से हो। आपको पता है कि क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया कि कोविड-19 के अंदर की जो व्यवस्था है वो कितना गंदा है, क्योंकि ये जो लापरवाही है वो बहुत ज्यादा ये है। आदमी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग तक सही खबर पहुंचे, और क्या हो रहा है अस्पतालों में वो आप तक पहुंचे कि किस तरीके का इलाज हो रहा है, क्या अस्पताल में व्यवस्था है। तो यहाँ की व्यवस्था जो है वो काफी यहाँ का जो है वो गंदा है। अब देखना यही होगा कि क्या इसमें क्या सुधार होता है और क्या नहीं सुधार होता है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी एट पारस वर्क फॉर कॉज, नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।